हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण प्रजापत आपका ए गुड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद, यानी जिसमें जिस बीजीय व्यंजक में जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे पद हो। जैसे मान लो हम वेरिएबल एक्स में एक पॉलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें कितने पद हैं, 1, 2 और 3, यानी ये एक पॉलिनोमियल है। इसको एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होने के कारण हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाई वेरिएबल में पॉलिनोमियल लेते हैं वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2y प्लस 1, इतने इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, ये हो गया एक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अभी मैंने नाम लिया वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर। वेरिएबल यानी चर जिनकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो उनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, ठीक है, जिनका मान निश्चित ना हो उनको हम क्या बोलेंगे, चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हम एलजेब्रा से इनको हम ए बी सी डी से डिनोट करेंगे। किस से डिनोट करेंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी से हम इनको डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जिनका मान हमेशा बदलता रहे उनको क्या है, हम चर बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। फिर आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी अचर। जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम अचर बोलते हैं। इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, फिक्स होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जिनका मान निश्चित हो उनको हम अचर बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 999, जितनी भी वैल्यूज़ जितनी भी नंबर्स हैं हमारे उनको हम अचर बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो पॉलिनोमियल होता है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मिश्रण होता है। ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट यानी चर प्लस अचर से हम जिस भी एक्सप्रेशन को लिखते हैं वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है। जैसे मान लो हम वेरिएबल लेते हैं एक्स, वेरिएबल क्या लिया हमने, एक्स लिया। ठीक है, तो अब हम इसमें पॉलिनोमियल देखेंगे एक्स वेरिएबल में, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें पद कितने हैं, टर्म्स कितनी हैं, 1, 2, 3 और 4 टर्म्स कितनी हैं, 4 टर्म्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के भी बहुत टाइप आते हैं वेरिएबल्स के बेस पर। जैसे मान लो जिसमें एक वेरिएबल हो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल।
पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल यानी एक चर वाले बहुपद। इसमें क्या होता है, वन वेरिएबल होता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, वन वेरिएबल मान लो एक्स वेरिएबल हमने लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ये क्या है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स ही है। पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, सेम ही वेरिएबल आ रहा है। तो ये होगा एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल यानी एक चर वाला बहुपद एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन। इसी प्रकार मान लो हमें दो वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल देखना है, तो होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन। ये क्या है, दो चर वाला बहुपद है यानी टू वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल है। वेरिएबल कौन कौन से हैं, यहाँ एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है यानी चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वन क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, चर यानी वेरिएबल, और ये है कांस्टेंट यानी अचर। तो ये कितने चर वाला बहुपद हुआ, ये हुआ दो चर वाला बहुपद, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई है, टू वेरिएबल्स है। तो ये हो गया दो चर वाला बहुपद। इसी प्रकार अगर मान लो पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल्स दिए हुए हो, तो वो होगा तीन चर वाला बहुपद। अगर चार वेरिएबल्स हों तो वो होगा चार चर वाला बहुपद, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्री। ये कितने वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल है, ये है वन टू और थ्री, यानी थ्री वेरिएबल्स इसमें है, थ्री वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या हो गया, थ्री वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया थ्री वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे वन पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल्स यानी एक चर वाले बहुपद के कितने टाइप्स आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे इसका फर्स्ट टाइप आता है एक चर वाले बहुपद में लीनियर पॉलिनोमियल। यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की क्या खास बात होती है, इसमें वेरिएबल की पावर वन होती है। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है, वन। जैसे अगर x में पॉलिनोमियल है तो पी एक्स एक्स प्लस वन, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की जो पावर है वो है वन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ वेरिएबल की कितनी पावर है, वन है। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y वेरिएबल में 2y प्लस 3, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर जो है वन है। जहाँ भी हमें जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर वन दिखाई दे, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। अब आता है द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विघाती यानी दो घात वाला, जिसमें वेरिएबल की पावर टू हो, उसको हम द्विघाती बहुपद बोलते हैं। जैसे मान लो एक्स वेरिएबल में अगर हम पॉलिनोमियल देखें तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन, ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, टू है। तो ये हो गया द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल, वाई वेरिएबल में टू वाई स्क्वेयर प्लस थ्री, ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2
टू है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसका थर्ड पार्ट आता है क्यूबिक पॉलीनोमियल यानी त्रिघाती बहुपद। इसमें वेरिएबल्स की पावर होती है थ्री। कितनी होती है वेरिएबल की पावर? थ्री होती है। मैक्सिमम पावर क्या होती है? थ्री होती है। तो उसको हम क्यूबिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। वेरिएबल की पावर क्या होती है? थ्री होती है। एक्स वेरिएबल में पॉलीनोमियल देखें, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स प्लस वन। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? थ्री है। तो ये हो गया त्रिघाती यानी क्यूबिक पॉलीनोमियल। वाई वेरिएबल में देखें तो पी वाई इज इक्वल टू टू वाई की पावर थ्री प्लस टू वाई स्क्वेयर प्लस थ्री। ये क्या है? एक त्रिघाती यानी क्यूबिक पॉलीनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? थ्री है। तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार चलते चलते आगे एन घात वाला बहुपद आता है। यानी एन पावर वाला पॉलीनोमियल। एन पावर वाला पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसमें वेरिएबल की पावर आती है एन। कितनी पावर होगी? वेरिएबल की पावर एन होगी। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। यानी जो एन है वो क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर है। तो ये हो गया एन घात वाला बहुपद। वाई वेरिएबल में पी वाई इज इक्वल टू थ्री वाई की पावर एन प्लस टू वाई प्लस वन। ये क्या है? एक एन घात वाला बहुपद है, एन पावर वाला पॉलीनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एक चर वाले बहुपद में कौन कौन से टाइप देखे? वन यानी लीनियर, जिसमें पॉलीनोमियल लीनियर पॉलीनोमियल में क्या होता है? फर्स्ट टाइप था लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल में वेरिएबल की पावर वन होती है। कितनी होती है वेरिएबल की पावर? वन। उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर होगा जिसमें वेरिएबल की पावर टू हो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जिसमें वेरिएबल की पावर थ्री हो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। जिसमें वेरिएबल की पावर एन हो उसको हम एन पावर वाला पॉलीनोमियल बोलेंगे, यानी पॉलीनोमियल ऑफ पावर एन, यानी एन घात वाला या एन पावर वाला पॉलीनोमियल, एन घात वाला बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद के हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुपद के जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, यानी इसके शून्यक कैसे फाइंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।